हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 5 ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रैक्टिकल नंबर 5 देखो क्या है। प्रैक्टिकल नंबर 5 है प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके हमें क्या करना है, एरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बबल सॉर्ट देखा था, तो सेम बबल सॉर्ट के जैसी, जैसे वो बबल सॉर्ट जैसे एक टेक्निक है सॉर्टिंग टेक्निक, वैसे ही सिलेक्शन सॉर्ट है। तो इसका प्रोग्राम आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में। मैंने सिलेक्शन सॉर्ट आपको पहले से ही समझा हुआ है, प्रीवियस आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना सिलेक्शन सॉर्ट का, ये प्रैक्टिकल से पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रोग्राम। प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। आपको पता है हेडर फाइल्स कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर मेन फंक्शन भी आपको पता है, क्लियर स्क्रीन भी मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि किस लिए यूज़ करते हैं। अब सीधे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जब सबसे पहले देखो, मैंने वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रखे हुए हैं। तो वेरिएबल्स हैं इंटीजर आई जे एन लोक एल ओ सी टेम्प मीन एंड ए ऑफ 30। ए ऑफ 30 क्या है, एरे है, और बाकी सारे इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद देखो प्रिंट द साइज ऑफ एरे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमें सबसे पहले क्या करने हैं, वो जो एरे में एलिमेंट्स हैं हमें उसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरे में कुछ एलिमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स चाहिए यूज़र को। यूज़र डिसाइड करेगा कि उसको कितने एलिमेंट्स डालने हैं और कितने एलिमेंट्स उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स के ऊपर उसको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। तो हम पहले से उनको पूछेंगे कि एंटर द साइज ऑफ एरे, फिर हमने साइज डाल दी, एन में जाएगी वो साइज, वो एफ वैल्यू। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एंटर एन एलिमेंट। ठीक है, फिर फॉर लूप के यूज से हम क्या करेंगे, वो जो एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, उसको हम स्टोर करेंगे कहाँ पे, ए ऑफ आई पे, इस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब इस यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, हमने एरे बनाया, एरे की साइज डिसाइड की, और उसके बाद हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, एलिमेंट्स लिए। अब इसके आगे हमें मूव करना है। इसके आगे हम देखेंगे कि हमें सिलेक्शन सॉर्ट जो टेक्निक है वो कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाई, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन माइनस 1। ठीक है, 5 लिया तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, आई प्लस प्लस मतलब ये कहाँ तक चलेगी, 3 तक, 0 से 3 तक। ठीक है, फिर मिन इक्वल्स टू ए ऑफ आई, एक मिनिमम वेरिएबल लिया था उसमें हमने ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है, 0। सो ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 मतलब सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट हम डाल रहे हैं मिन नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद लोकेशन एल ओ सी, लोकेशन के अंदर हम डाल रहे हैं क्या, आई, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, 0। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट गया मिन वेरिएबल में, और लोकेशन जो है उसकी दैट इज आई 0 वो गए लोकेशन वेरिएबल पे। फिर उसके बाद हमने एक अगेन फॉर लूप लगाई, फॉर जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। सो जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई कितना है, 0, 0 प्लस 1 मतलब 1। सो इफ मिन मतलब ये पहला एलिमेंट ग्रेटर देन ए ऑफ जे, जे क्या है, 0 प्लस 1 मतलब 1 सेकेंड एलिमेंट। सो मिन पहला एलिमेंट ग्रेटर देन अगर सेकेंड एलिमेंट है तो क्या, तो क्या करेंगे, मिन इक्वल्स टू ए ऑफ जे मतलब सेकेंड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मिनिमम कंसिडर करेंगे, और लोकेशन को चेंज करके क्या कर देंगे, जे। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम जो वैल्यू है मतलब टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और मिनिमम जो है उसको हम लेते जाएंगे। ठीक है, हमेशा मिनिमम को मिन वेरिएबल में डालेंगे और मिनिमम को हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। अब देखो यहाँ पे मुझे मिनिमम और लोकेशन मिल गया, फिर से जे की वैल्यू हो गई जे प्लस प्लस मतलब जे की वैल्यू अभी हो गई 2। ठीक है, मिन में क्या है, ए ऑफ जे मतलब फर्स्ट वेरिएबल, सॉरी सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, तो सेकेंड वेरिएबल इज ग्रेटर देन थर्ड वेरिएबल, अगर है तो फिर से हम मिन में थर्ड वेरिएबल डाल देंगे, फिर और लोकेशन में थर्ड मतलब थर्ड उसकी लोकेशन थर्ड एलिमेंट की। फिर से जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन एन है, यस, तो यहाँ पे आएंगे। फिर मिनिमम मतलब सेकेंड वेरिएबल इज ग्रेटर देन थर्ड वेरिएबल, नहीं है तो वापस, अगर है तो यहाँ पे हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनर फॉर लूप परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही हमें सबसे मिनिमम और वेरिएबल्स मिलते जाएंगे, सबसे पहले पास में हमें क्या मिल गया, इस फॉर लूप में सबसे लोवेस्ट वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू ए ऑफ आई मतलब 0। टेम्प में हम पहला एलिमेंट डाल देंगे, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट पे हम क्या डाल रहे हैं, ए ऑफ लोकेशन मतलब हमें जो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट मिला था
उसकी लोकेशन हमने जे में, उसकी जो लोकेशन है वो एलओसी नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखी थी मिनिमम वेरिएबल की। तो वो ए ऑफ लोकेशन मतलब उस लोकेशन का वेरिएबल जो मिनिमम है वो हम डाल रहे हैं ए ऑफ आई मतलब जीरो, जीरो पोजिशन पे, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। और जो पहला वाला एलिमेंट था वो कहाँ पे था, टेम्प पे, उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, ए ऑफ लोकेशन पे। मतलब हमने इंटरचेंज कर दिया ए ऑफ लोकेशन और टेम्प में जो वेरिएबल थे वो एक दूसरे के साथ हमने इंटरचेंज कर दिए। तो उससे क्या, वो हमें सबसे लोवेस्ट जो एलिमेंट था वो हमें कहाँ पे मिल गया, सबसे पहले पोजिशन पे, ठीक है, फर्स्ट पोजिशन पे हमें मिल गया सबसे लोवेस्ट एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर हम आई के अंदर आएंगे, फिर हम मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेंगे। अब आई की वैल्यू वन होगी, तो वन से मतलब पहला एलिमेंट छोड़ के हम सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, एक पास हमने जब परफॉर्म की तो हमें क्या मिला, सबसे लोवेस्ट और सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया, वो हमने डाल दिया सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। सेकेंड पास में हम सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो हमें सेकेंड पास में सब सेकेंड लोवेस्ट एलिमेंट मिलेगा। थर्ड पास में आई की वैल्यू हो जाएगी टू, तो हम थर्ड एलिमेंट से शुरू करेंगे, और थर्ड पास में हम जब परफॉर्म करेंगे ये सारा कोडिंग तो हमें थर्ड लोवेस्ट एलिमेंट मिलेगा, फिर फोर्थ पास, फिर फिफ्थ पास। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे पास होते जाएंगे वैसे वैसे हमें लोवेस्ट एलिमेंट मिलते जाएंगे एक एक पोजिशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे लोवेस्ट एलिमेंट। एक पास में एक बार में हम एक ही एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि सबसे लोवेस्ट होगा, ठीक है, और उसको हम एक एक पोजिशन पे रखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपल, जब हमें सॉर्टेड एरे मिल गया तो हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के ए ऑफ आई के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। यह है सिंपल सा सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। अब हम देखते हैं इसको रन करके, इन्होंने क्या पूछा, सबसे पहले एरे की साइज, तो सपोज मैंने डाल दी 6, उसके बाद 6 एलिमेंट डालने हैं, तो 56, 99, 12, 21, 13, 11, ये हो गए 6 एलिमेंट। अब हमें क्या मिलेंगे, सॉर्टेड एलिमेंट। तो देखो सॉर्टेड एलिमेंट्स 11, 12, 13, 21, 56, 99, तो ये हो गया सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक, ठीक है। इस तरह से हमें सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन टेक्निक देखेंगे, दैट इज इंसर्शन टेक्निक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।